ईस्टर्न रेल में जो है न्यू जो है भर्ती है, न्यू जॉब्स आई हैं, उनके हवाले से आज डिस्कस करेंगे। अब ये देखें आप, उनकी वेबसाइट है पाकिस्तान रेलवे के ऊपर, उसमें भी जो है ये बताया गया है कि 7 अगस्त से जो है लास्ट डेट है 28 अगस्त, और सब इंजीनियरिंग BPS 11 एंड असिस्टेंट स्टेशनल मास्टर ग्रेड BPS 14 में, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कौन जी वो ये जॉब्स हैं पाकिस्तान रेलवे सिचुएशन वैक्सीन वैकेंट। अब सबसे पहले जो है कैटेगरी है सब इंजीनियरिंग, जिसमें सिविल्स और परमानेंट वे ऑफ वर्कर्स एंड ब्रिज के लिए टोटल वैकेंसी है 62, ठीक है। मेरिट पर है 4 है, पंजाब के लेवल 24 और 25, और सिंध अर्बन के लिए 8 है, और सिंध जो है रूरल के लिए 11 है, केपी के बलोचिस्तान और दूसरों के लिए 8, 2, 1 है, ठीक है। अब इसकी जो है सब इंजीनियरिंग सिविल्स की जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए आपके पास सेकेंड डिवीजन में और साइंस के साथ, ठीक है, और 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएशन इंजीनियरिंग ऑफ सिविल्स टेक्नोलॉजी होना आपके पास लाजमी है, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी सेकेंड पे आती है SEO ड्राइविंग एंड DOEB, ठीक है, हेडक्वार्टर्स, इसकी टोटल वैकेंसी है 10, ठीक है। मेरिट बेस पर जो 1 है पंजाब और सिंध, पंजाब के लिए 4, सिंध के लिए जो है 2 सीटें हैं रूरल और अर्बन के तौर पर, ठीक है, और KPK के लिए 2 हैं, बलोचिस्तान के लिए 1 है। अब इसकी जो है क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए आपके पास मैट्रिक सेकेंड डिवीजन पे साइंस के साथ 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग ऑफ सिविल्स टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटराइज ड्राफ्टिंग लाइक ऑटो आर इक्वलेंट, मतलब DIT और CIT आपके पास है तो चल जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब थर्ड इसकी जो कैटेगरी में आता है सब इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जो BPS 11 की है, ठीक है, पावर ऑफ RTLs, इलेक्ट्रिकल्स, डीजल्स एंड ACM GMR, टोटल इसकी वैकेंसी है वो है 63 है। मेरिट पर 5 है, पंजाब के लिए 32 है, सिंध के अर्बन के लिए 5, सिंध रूरल के लिए 6 और KPK के लिए 6, बलोचिस्तान के लिए 3 सीटें हैं, फाटा के लिए 3 हैं और AGK के लिए 2 सीटें हैं। अब इसकी जो है क्वालिफिकेशन मैट्रिक हो सेकेंड डिवीजन में और विद द साइंस के साथ, ठीक है, 3 ईयर का डिप्लोमा इन सारों में ही होना लाजमी है इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। और इसके बाद जो है सब इंजीनियरिंग सिग्नल्स, ठीक है, जो सिग्नल के लिए जो है अलर्ट होते हैं उनके लिए है BPS 11, टोटल वैकेंसी इसमें 48 है, सबसे ज़्यादा जो होती है पंजाब के लिए है 24, उसके बाद मेरठ पर 4 हैं, सिंध के अर्बन के लिए 5 है, सिंध रूरल के लिए 5 है, KPK के लिए 5 है, ठीक है, और बलोचिस्तान फाटा इनके लिए 3, 2 और 1 है। इसका जो है क्वालिफिकेशन मैट्रिक पर होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है। सब इंजीनियरिंग टेलीकॉम BPS 11, अब टोटल सीटें इसकी 34 हैं, पंजाब के लिए 17, सिंध के लिए 3 हैं और सिंध रूरल के लिए 4, KPK के लिए 4, बलोचिस्तान 2, फाटा के लिए 1 और AGK के लिए 1 है। मेरिट जी वो ये जॉब्स हैं पाकिस्तान रेलवे सिचुएशन वैक्सीन वैकेंट। अब सबसे पहले जो है कैटेगरी है सब इंजीनियरिंग, जिसमें सिविल्स और परमानेंट वे ऑफ वर्कर्स एंड ब्रिज के लिए टोटल वैकेंसी है 62, ठीक है। मेरिट पर है 4 है, पंजाब के लेवल 24 और 25, और सिंध अर्बन के लिए 8 है, और सिंध जो है रूरल के लिए 11 है, KPK बलोचिस्तान और दूसरों के लिए 8, 2, 1 है, ठीक है। अब इसकी जो है सब इंजीनियरिंग सिविल्स की जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए आपके पास सेकेंड डिवीजन में और साइंस के साथ, ठीक है, और 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएशन इंजीनियरिंग ऑफ सिविल्स टेक्नोलॉजी होना आपके पास लाजमी है, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी सेकेंड पे आती है SEO ड्राइविंग एंड DOEB, ठीक है, हेडक्वार्टर्स, इसकी टोटल वैकेंसी है 10, ठीक है। मेरिट बेस पर जो 1 है पंजाब और सिंध, पंजाब के लिए 4, सिंध के लिए जो है 2 सीटें हैं रूरल और अर्बन के तौर पर, ठीक है, और KPK के लिए 2 हैं, बलोचिस्तान के लिए 1 है। अब इसकी जो है क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए आपके पास मैट्रिक सेकेंड डिवीजन पे साइंस के साथ 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग ऑफ सिविल्स टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटराइज ड्राफ्टिंग लाइक ऑटो आर इक्वलेंट, मतलब DIT और CIT आपके पास है तो चल जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब थर्ड इसकी जो कैटेगरी में आता है सब इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जो BPS 11 की है, ठीक है, पावर ऑफ RTLs, इलेक्ट्रिकल्स, डीजल्स एंड ACM GMR, टोटल इसकी वैकेंसी है वो है 63 है।
मेरठ पर 5, 6, पंजाब के लिए 32 है, सिंध के अर्बन के लिए 5, सिंध रूरल के लिए 6 और केपीके के लिए 6, बलोचिस्तान के लिए 3 सीटें हैं, फाटा के लिए 3 हैं और एजीके के लिए 2 सीटें हैं। अब इसकी जो है क्वालिफिकेशन मैट्रिक हो सेकंड डिवीजन में और विद द साइंस के साथ, ठीक है, 3 ईयर का डिप्लोमा इन सारों में है, होना लाजमी है, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। और इसके बाद जो है सब इंजीनियरिंग सिग्नल्स, ठीक है, जो सिग्नल के लिए जो है अलर्ट होते हैं उनके लिए है बीपीएस 11। टोटल वैकेंसी इसमें 48 है, सबसे ज़्यादा जो होती है पंजाब के लिए है 24, उसके बाद मेरठ पर 4 हैं, सिंध के अर्बन के लिए 5 है, सिंध रूरल के लिए 5 है, केपीके के लिए 5 है, ठीक है, और बलोचिस्तान फाटा इनके लिए 3, 2 और 1 है। इसका जो है क्वालिफिकेशन मैट्रिक पर होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है। सब इंजीनियरिंग टेलीकॉम बीपीएस 11। अब टोटल सीटें इसकी 34 हैं, पंजाब के लिए 17, सिंध के लिए 3 हैं और सिंध रूरल के लिए 4, केपीके के लिए 4, बलोचिस्तान 2, फाटा के लिए 1 और एजीके के लिए 1 है। मेरठ इसकी जो है टोटल हैं 2 सीटें, तो इसके साथ भी मैट्रिक और 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना आपके पास लाजमी है। और इसके साथ साथ हम आपको कंप्लीट भी इसकी तैयारी करवाएंगे, अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इनकी कंप्लीट हम जो हैं इनके सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट जो 5 पेपर हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो आप तैयारी आसानी से कर सकें। सब इंजीनियरिंग में मैकेनिकल के जो है बीपीएस 11, ठीक है, ये कैटेगरी है, डीजल CWO और ड्राफ्टमेंट्स वर्कशॉप ट्रेड और एजीके के लिए आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि टोटल सीटें हैं 91, सबसे हाईएस्ट सीटें इसमें हैं 91, ठीक है, मेरठ 6 हैं, पंजाब की 51 है, सिंध और रूरल और अर्बन के लिए टोटल 10 सीटें हैं, केपी के लिए 12 हैं, बलोचिस्तान के लिए 5 सीटें हैं, फाटा के लिए 2, एजी के लिए 3 हैं, बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के लिए 2 सीटें रखी हैं। और वही मैट्रिक होना चाहिए आपके पास सेकंड डिवीजन में और 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास लाजमी है। सब इंजीनियरिंग मैकेनिकल बीपीएस 11। अब वर्कशॉप ट्रेड, इसमें टोटल 39 सीटें हैं, जो मेरठ की 3 हैं, पंजाब की 20 हैं, सिंध जो रूरल अर्बन है उनके लिए 3 है, सिंध रूरल है उनके लिए 4, केपी के लिए 4, बलोचिस्तान के लिए 2, फाटा एजीके और गिलगित के लिए 1-1 है। और इसके साथ जो है डिग्री आपके पास जो होनी चाहिए मैट्रिक 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 3 ईयर DAE मैकेनिकल, ये होना आपके पास लाजमी है। अब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ग्रेड बीपीएस 14, हाइएस्ट जो है सीटें बीपीएस 14 के लेवल पर जो है 225 सीटें हैं। अब डिवीजन वाइज ब्रेकअप है इसमें, पिशावर के लिए 12 हैं, रावलपिंडी के लिए 10 हैं, लाहौर के लिए 14, मुल्तान के लिए 11 और सखर के लिए 114 सबसे ज़्यादा हैं, कोटा के लिए कोयटा जो है उसके लिए 7, कराची के लिए 57 है। बी है आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए बीए या बीएससी का होनी चाहिए सेकेंड डिवीजन में इक्विवेलेंट फ्रॉम द एनी जो भी जो है यूनिवर्सिटी है जो हेग से रजिस्टर है उसके लिए। और आपका जो है 6 महीने का जो है कोर्स कंप्यूटर में होना लाजमी है। कोटास एंड जस्टिशमेंशन फॉर आइटम नंबर 1-6 ओनली दोज एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है, ये इनका जो है रूल है फॉलो है किस तरीके से आपको करना है। फॉलोइंग कोटा ऑफ कैटेगरी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ग्रेड के लिए आपको 58% कोटा एंड ओपन मेरिट है, ठीक है। अब किस तरीके से अप्लाई करना, एज लिमिटेड क्या होनी चाहिए, 18 से 25 और 5 साल आपके लिए रियायत है, मतलब 30 होना है, ठीक है, 30 जो है आपकी। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है 28/8/2024 लास्ट है, तो जल्दी कीजिए अभी से जो है फॉर्म फिल करें। जो वेबसाइट गिविन है pkr.com, यहाँ पर आपको जाकर जो है सारा एडमेंट जो है मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी डाउनलोड फ्रॉम द www.parkrail.government.pkcareer.aspects, यहाँ पर आप जो है क्लिक करके इनको जो है वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका क्राइटेरिया है, बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, और कोशिश कीजिए कि अभी से जो है ये जो इनका फॉर्म है तो जल्दी कीजिए।
अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम मुकम्मल इसकी जो है अपडेट देते रहें और आपको बिल्कुल तैयारी करवाएंगे एमसीक्यूज़ के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें।